इसराइल हमास वॉर के बीच इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध शुरू हो गया है। इजरायली सेना लेबनान पर जिस तरह बारूद की बरसात कर रही है, उससे साफ है कि अब हिजबुल्ला का अंत बहुत करीब है। हिजबुल्ला का हाल वही हो रहा है जो गाजा में हमास का हुआ था। सिर्फ चार दिनों के ऑपरेशन के दौरान ही इसराइल ने न सिर्फ हिजबुल्ला की 90% लीडरशिप को खत्म कर दिया, बल्कि उसकी आधी सैन्य शक्ति को जलाकर भस्म कर दिया है। इसराइल को इतनी बड़ी कामयाबी इसलिए मिली, इसे लेकर इसराइल और अमेरिका का कहना है कि ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो की वजह से हिजबुल्ला का आधा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया है। इसराइली सेना ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप में सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं, जिनमें हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह, हिजबुल्ला के दक्षिणी मोर्चे का कमांडर अली कराकी और बद्र यूनिट का हेड अबू अली शामिल है। हिजबुल्ला की लीडरशिप में अब यही 3 लोग बचे हैं, बाकी 18 लोगों का खात्मा हो चुका है। IDF के मुताबिक 3 दिन पहले हिजबुल्ला के पास 1,40,000 रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा था, लेकिन इजराइल ने प्रचंड हमला कर हिजबुल्ला के आधे रॉकेट और मिसाइलों को तबाह कर दिया है। यानी हिजबुल्ला के करीब 70,000 रॉकेट और मिसाइलें जलकर खाक हो गई हैं। अब हिजबुल्ला के पास करीब 70,000 रॉकेट और मिसाइलें ही बची हैं। IDF का दावा है कि उसने हिजबुल्ला के 50% हथियार, 50% रॉकेट लॉन्च पैड और 60% ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया है। इस बीच माना जा रहा है कि लेबनान में अब इसराइल के हमले का अगला चरण शुरू हो गया है और इसीलिए इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान को खाली करवा रही है। मिसाइलें बरसाने के बाद IDF ने पर्चियां गिराकर कहा है कि लोग जल्द से जल्द दक्षिणी लेबनान को छोड़ दें। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर लोग हिजबुल्ला को अपने घरों में मिसाइल और बारूद रखने देंगे तो उनके घरों का तबाह होना तय है। दूसरी तरफ लेबनान में उन पर्चियों से हड़कंप मचा हुआ है जो IDF ने गिराई हैं। इन पर्चियों में QR कोड है जिनके जरिए IDF ने कहा है कि लोग इस QR कोड को अपने फोन से स्कैन करें। स्कैन करने के बाद लोगों को पता चलेगा कि किस इलाके को खाली करना है और कहां जाना है, जबकि हिजबुल्ला ने लोगों से अपील की है कि वो QR कोड को स्कैन ना करें। हिजबुल्ला ने कहा है कि ये पेजर अटैक की तरह ही मोसाद की खतरनाक साजिश है। अगर बारकोड स्कैन किए गए तो लोगों के फोन हैक हो जाएंगे और इसकी जानकारी इजरायली सेना के पास पहुंच जाएगी, जिसका इस्तेमाल वो हमले के लिए करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल और हमास के बाद इसराइल और लेबनान के बीच महासंग्राम शुरू हो चुका है जो आने वाले दिनों में विकराल रूप ले सकता है। रिपोर्ट्स में दावा है कि इसराइल के हमले की चपेट में आकर 550 लेबनानी मारे जा चुके हैं, जबकि 90,000 से ज्यादा लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। इसे लेकर माना जा रहा है कि इजरायली सेना लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए News18 India Originals के साथ।